जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी सिविलियन ट्रेड्समैन ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2022 नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन से डायरेक्टली जानकारी अपडेट कराता हूं। तो दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट ऑफिशियली आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर होने वाला है, जो कि आपका 19 फरवरी को पब्लिश किया जाएगा। फिर उसके बाद से ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, सिविलियन पर्सनल के लिए जो कि इंडियन नेवी के अंदर भर्ती किए जाएंगे। और जो आपकी एक तरह के वैकेंसी रखी है वो आपकी ट्रेड्समैन स्किल्ड है, और इनको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। बात करें आपकी टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी आपकी 1531 है, यानी कि 1531 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर यहां पर दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि इसके ऊपर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको पे स्केल लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी, जो कि 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए होती है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीएससी सीएससी 2022 प्रीलिम्स बूस्टर एमसीक्यू बैच कोर्सेज, जो कि आपका 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर आपको ये सभी जानकारी दी जाएगी इन टीचर्स के द्वारा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ये होने वाली है, जहाँ पर आप आपके 2022-23 जो प्रीलिम एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको के बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये बताना चाहूंगा कि यहां पर दोस्तों आपको ऑफर दिए जा रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से इन कोर्सेज को परचेज करने पर, जो कि प्लस कॉम्बो है और आइकॉनिक कॉम्बो है। आपको कितने तक की छूट यहां पर मिल जाएगी वो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे कोड AMJAD10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त 20% की छूट दी जाएगी। जी हां, नॉर्मली 10% की छूट मिलती है, बट ये स्पेशल ऑफर है जिसके चलते आप 16 फरवरी 2022 तक अगर मेरे कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये वाली एक्स्ट्रा छूट तो मिलेगी ही, बट अलग से आपको 20% की छूट भी दी जाएगी। तो देर किस बात की है, जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और इस छूट का फायदा उठा लीजिए, जो कि 16 फरवरी 2022 तक वैलिड है। और कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि तभी आपको छूट मिल पाएगी। जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका ये सवाल है कि सर जो सैलरी इन हैंड है वो क्या रहेगी, तो सैलरी इन हैंड आपकी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये हो सकती है। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करें आपकी ट्रेड्स की, तो इसमें काफ़ी सारे ट्रेड्स निकाले गए हैं। मैं आपको एक एक करके हमारी वेबसाइट से जानकारी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी जानकारी अपडेट कर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानेंगे कि इसमें आपका इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रो प्लेटर ट्रेड है, इंजन फिटर है, फाउंड्री है, पैटर्न मेकर है, आइस फिटर है, इंस्ट्रूमेंट फिटर है, मशीनिस्ट है, मिल राइट फिटर है, पेंटर है, प्लाटर है, सीट मेटल वर्कर है, पाइप फिटर है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी फिटर, टेलर, वेल्डर, रडार फिटर और रेडियो फिटर, रिगर और शिप राइट, ये आपके ट्रेड है जो कि डेजिनेटेड ट्रेड के अंदर रखे गए हैं, जिनके लिए टोटल पद आप यहां पर देख सकते हैं। फिर आते हैं आपके नॉन डेजिनेटेड ट्रेड्स। इसमें आपका ब्लैक स्मिथ है, बॉयलर मेकर है, सिविल वर्क्स है, कंप्यूटर फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक फिटर है, गायरो फिटर है, मशीनरी कंट्रोल फिटर है, सोनर फिटर, वेपन फिटर, हॉट इंसुलेटर, शिप फिटर, जीटी फिटर, आइस फिटर, क्रेन, ये आपके वो सभी ट्रेड है जो कि नॉन डेजिनेटेड ट्रेड्स के अंदर रखे गए हैं। अभी हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसमें अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो दोस्तों उसके पहले आपको मैं इसकी जो एज लिमिट है वो बता दूं। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है, जो कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप जान लीजिए।
तो 5 पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो इसमें दोस्तों आपको बोला है कि इसेंशियल में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी कि 10वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता जो कि आपने इंग्लिश के साथ में की हो, यानी कि आपको जो इंग्लिश की नॉलेज है वो होनी चाहिए। ऐसा यहां पर ये नहीं दिया कि आपके पास 10th के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, बट अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होगा 10th में तभी आप ये कह सकते हैं कि आपको इंग्लिश की नॉलेज है। तो इंग्लिश के पास आपने सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश के साथ आपने 10th पास की हो। फिर सेकंड क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहां पर कहा है कि शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड। तो यहां पर दोस्तों जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की हो तब जाकर के आप इसमें फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है ये मत बनाया करो, ये ऐसा ही होती है, इसमें जॉब तो मिलती नहीं है। मैंने हर वैकेंसी में कहा है जो भी मैं अप्रेंटिसशिप की बनाता हूं कि भाई ये वैकेंसी ऐसी होती है जो कि आपको आगे चल करके काम देती है। माना कि वो सिर्फ अप्रेंटिसशिप होती है बट जैसे कि मैंने उन वीडियो में भी आपको बताया है और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो जो आपकी अप्रेंटिसशिप हो जाती है फिर उसके बाद में अप्रेंटिसशिप के बेस पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट वैकेंसी निकलती है। जैसे कि अभी ये वैकेंसी निकली हुई है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें देखा कि आपने 10वीं तो मांग रखी है साथ ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मांग ली। मान लीजिए आपने किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी कंपनी से अगर ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर ली होती तो फिर आज आपको यहाँ पर ये नहीं पूछना पड़ता कि सर क्या हम सिर्फ 10th के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है। यानी कि आपके पास 10वीं तो होनी चाहिए, दूसरा आपके पास उस ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होनी चाहिए कम से कम 1 साल की, तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। बट यहां पर आपको फिर भी दूसरा विकल्प दिया है यानी कि जिसने 10वीं की है और 10वीं के बाद जो उसने अप्रेंटिसशिप नहीं की तो उसके पास अगर मैकेनिक और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन द एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं है तो आपके पास मैकेनिक या फिर उसके बराबर का 2 ईयर का रेगुलर सर्विस है एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच के अंदर जो कि आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स से होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपली 10वीं पास तो से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, साथ में आपसे जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है रिलेवेंट ट्रेड वो तो मांगा ही है। अगर ये नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको मैंने यहां पर ये बता दिया है। आपको यहां पर ये बोला कि क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, यानी कि अगर यहां पर जो कैंडिडेट है वो और ज्यादा वेल क्वालिफाइड है तो फिर यहां पर आपको क्वालिफिकेशन के अंदर छूट दी जा सकती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। बट ये कोई भी कंफर्म नहीं है, ये जो मैंने आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई है ये आपके पास होनी ही चाहिए, उसके बाद ही आप अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन ऑन करते हैं तब जाकर के आपको ये छूट मिल सकती है। तो आई होप आपको क्वालिफिकेशन का जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, जो एग्जाम का पैटर्न है वो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट से देख लीजिए। तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा, आपके जो पेपर तैयार किया जाएगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। यहां पर दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का एक मीडियम रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, बट जो आपके जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे ये आपके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होंगे, इसमें आपको बिलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये आपका एक मेन सब्जेक्ट है। तो यहां पर ये आपका पैटर्न होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जल्दी मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी एक अन्य वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको टॉपिक वाइज एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। फिर यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन फीस की जानकारी अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। और एज लिमिट आप यहां पर ऑलरेडी जान चुके हो, क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने यहां पर क्लियर कर लिया। अगर आपका अब कोई सवाल डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।